हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम इस वीडियो में फोनिक साउंड्स पढ़ेंगे और वर्ड मेकिंग पढ़ेंगे, है ना। पहले भी हम वॉवल्स पढ़ चुके हैं, एक बार हम फोनिक साउंड्स पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कौन से अल्फाबेट को क्या बोला जाता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ड मेकिंग करेंगे। वर्ड मेकिंग मीन्स हम स्पेलिंग, छोटी छोटी सी स्पेलिंग्स हम बनाना उसमें से सीखेंगे। ओके, तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने बोर्ड पर ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स लिख दिए हैं। अब हमें ये पता करना है कि कौन से वर्ड को, कौन से लेटर को हम क्या कहते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ वर्ड मेकिंग से पहले, है ना। तो सबसे पहले ए को हम क्या बोलते हैं, ए को हम क्या बोलते हैं, ए। क्या बोलते हैं, ए। बी को ब, बी को क्या बोलते हैं, ब। नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा है हमारा, सी। तो सी को हम क्या बोलते हैं, क। सी को हम क्या बोलते हैं, क। डी को ड। ई को, ई को क्या बोलते हैं, ई को हम बोलते हैं ए। मैंने कॉलेज पढ़ाया था तब बताया था ना, ई को हम क्या बोलते हैं, ए। इसमें हमारा माउथ जो है वो थोड़ा सा कम खुलता है। एफ को क्या बोलते हैं, फ। एफ को क्या बोलते हैं, फ बोलते हैं एफ को। और जी को ग, जी को ग। एच को ह। आई को मैंने बताया था, आई को क्या बोलते हैं, ई। आई को ई। जे, जे को हम क्या बोलते हैं, जे को हम बोलते हैं ज। और के को क। ऐसे ही एल को ल, एम को म, एन को ना, ओ को ओ ही बोलते हैं, पी को प, क्यू, क्यू को क्या बोलते हैं, क, क्यू को क्या बोलते हैं, क, आर को र, एस को स, टी को ट, और यू को बताइए क्या बोलते हैं, बबल में पढ़ा था यू को बोलते हैं अ। वी को व, वी को व, और डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, व। डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, व। एक्स को स, स, आधा का स, कस, ऐसे बोलते हैं ना एक्स रे। वाई को क्या बोलते हैं, या। वाई को क्या बोलते हैं, या। और जेड को हम क्या बोलते हैं, जा, ऐसे बोलते हैं ना जू, है ना। तो ये सारे जो फोनिक वर्ड्स हैं, फोनिक साउंड है ना। तो बच्चों आपको ये याद होना चाहिए कि किस अल्फाबेट को हिंदी के किस शब्द से बोला जाता है, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से उसको, जो भी इंग्लिश का वर्ड लिखा है उसको पढ़ पाए। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड मेकिंग, ठीक है। तो वर्ड मेकिंग हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो भी हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो भी हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, वो सारी जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं या कुछ भी है, वो सब पूरा कहाँ से मिलकर बनता है, ए टू जेड अल्फाबेट से ही मिलकर बनता है। कुछ भी हम लिखते हैं वो कहाँ से आते हैं, सारे लेटर्स ए टू जेड में से ही आते हैं। ए टू जेड कितने लेटर्स का होता है हमारे, 26 लेटर, जिसमें से
बबल्स जो है ए ई आई ओ यू, फाइव बबल्स अलग कर दें, उसके बाद कितने हमारे अल्फाबेट बचते हैं कॉन्सोनेंट 21, है ना। तो ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फाबेट है इसी से हमारी सारा इंग्लिश का जो भी वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, ये सारी चीजें बनी हुई होती हैं, है ना। बस हमें क्या करना होता है, पढ़ना सीखना होता है और लिखना सीखना होता है, रीडिंग एंड राइटिंग। और वो चीज कैसे आती है, प्रैक्टिस से ही आती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ए को हम क्या बोलेंगे, ए, बी को बा, सी को का, डी को दा, ई को ए, एफ को फा, जी को गा, एच को हा, आई को ई, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, ओ को ओ, बी को पा, क्यू को क्वा, आर को रा, एस को सा, टी को ता, यू को आ, बी को वा, डब्ल्यू को वा, एक्स को सा, वाई को या और जेड को जा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम वर्ड मेकिंग करेंगे। सभी बच्चों को स्पेलिंग बनाना सीखना है, अभी हम छोटी छोटी स्पेलिंग बनाते हैं, फिर जब हमें आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी स्पेलिंग, कोई भी सेंटेंस जो है वो हमारा ए से लेकर जेड तक के बीच के अल्फाबेट से ही मिलकर बनी होती है। बस हमें क्या करना होता है कि इसको सही तरीके से लिखना होता है, जिससे कि वो मीनिंगफुल वर्ड या सेंटेंस बन जाए, है ना। आगे पीछे हम गलत लिखेंगे तो कोई भी स्पेलिंग नहीं बनेगी। हमें क्या करना होगा, सही से उसको लिखना सीखना होगा। सारी स्पेलिंग जो है, सारे सेंटेंस जो है वो ए से लेकर जेड तक ही बनते हैं, इनके बीच में से ही जो अल्फाबेट दिख रहे हैं उसको ही मिलाकर क्या बनता है, वर्ड बनता है, सेंटेंसेस बनते हैं। तो हम सीखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, चलिए हम स्पेलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें स्पेलिंग बनाना है, सबसे पहले हमने क्या लिया, सी, क्या लिया हमने, सी। फिर हमने ले लिया ए, फिर हमने ले लिया यहां से टी। तो आप बताइए किसकी स्पेलिंग बन गई, किसकी स्पेलिंग बन गई है, कैट की। किसकी स्पेलिंग बन गई, कैट की स्पेलिंग बन गई, बन गई ना, सी ए टी, कैट, सी का गलत ही लिख
नहीं बन रही ना, तो इसलिए हमें अल्फाबेट को बिल्कुल सही तरीके से रखना है जिससे कि उसका मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, स्पेलिंग बन जाए। ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक तो बहुत सारे वर्ड्स स्पेलिंग्स हम बना सकते हैं, है ना। मगर हम अभी बनाना सीख रहे हैं इसलिए हम 3-3 लेटर्स ले रहे हैं, है ना। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे बी ले लिया और ओ ले लिया और वाई ले लिया। बताइए क्या बन गया, बी का बा, ओ का ओ और वाई का या, बॉय 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 है बॉय। इसी तरह से स्पेलिंग हमें बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट स्पेलिंग में बना रही हूं, यहां से मैंने एस ले लिया, यहां से मैंने यू ले लिया और यहां से मैंने ए ले लिया। क्या बन गया देखिए, सा, एस का सा, यू का आ और एन का ना, सन 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 सन। है ना, तरह से हमें इसको बनाना है ऐसी। और स्पेल देखिए, मैंने इसमें यहां पर एल ले लिया, यहां से मैंने ओ ले लिया और यहां से मैंने जी ले लिया। क्या बन गया ये, एल ओ जी लॉ। क्या बन गया, एल ओ जी लॉ। लॉग मीन्स क्या होता है, लकड़ी का कट्ठा, है ना। तो ये क्या बन गया, लॉ बन गया। तो बेटा यही वर्ड मेकिंग होता है कि किस तरह से हमें वर्ड्स को, अल्फाबेट को लेके उसको स्पेलिंग बनानी है। अब देखिए यहां से मैंने बी ले लिया, यहां से मैंने इसमें से ए ले लिया और यहां से फिर से एन ले लिया। तो देखिए क्या बन गई, क्या किस किसकी स्पेलिंग बन गई है, बैग की, व ए न। बी का व, ए का ए, ना का एन का ना, व एन वैन, है ना। ऐसे हम और भी स्पेलिंग बना सकते हैं और बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स भी बना सकते हैं। अभी हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं इसलिए मैंने 3-3 वर्ड्स की स्पेलिंग्स आपको बनाना बताया। ओके, इसी तरह से देखिए यहाँ पर मैंने एल ले लिया और यहां से मैंने ई ले ली और जी ले लिया। तो देखिए क्या बन गया ये, ये देखिए ला ए ग, ला ए ग। क्या बन गया ये, ले। क्या बन गया, ले। फोनिक साउंड मैंने आपको बताए हैं, इससे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा कि इसको किस वर्ड को क्या बोलते हैं, तो आप बहुत ज्यादा इजीली इसको पढ़ सकते हैं। और वर्ड मेकिंग, तो वर्ड मेकिंग तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। ओके, और बताइए और क्या क्या बन सकता है। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे, मैंने यहां से ले लिया पी, ये देखिए पी, तो पी से तो क्या बोलते हैं, प। और मैंने ले ली आई, आई को क्या बोलते हैं, ई। फिर मैंने ले लिया ना, एन। तो देखिए क्या क्या बन रहा है, प ई न, पिन, प इन पिन, प इन पिन। तो बच्चों इसी तरह से आप और भी स्पेलिंग्स बना सकते हैं, आपको बहुत सारी स्पेलिंग्स बना के भेजनी है मुझे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे, मैं होमवर्क आपको दूंगी, तो आप क्या करेंगे इसको करके मुझे मेरे नंबर पर सेंड करें। सबको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है, फोनिक साउंड सभी को लर्न होना चाहिए। वोवल्स भी मैं बता चुकी हूँ, वोवल्स में सारे साउंड्स बता चुकी हूँ, सबको
लर्न करना है और अच्छे से इसको अपने माइंड में सेट करके रखना है कि कौन सी चीज को क्या कहते हैं, जिससे कि आप रीडिंग अच्छे से कर पाए। ठीक है, और भी बहुत सी स्पेलिंग है, बहुत सी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं, है ना। जैसे कि देखिए जेड से डबल ओ, दो बार हम ओ लेंगे, क्या बन जाएगा, जू, क्या बन जाएगा, जू, है ना। तो इस तरह से आपको स्पेलिंग्स बनानी। ओके, जो भी मैं होमवर्क आपको दूंगी, आपको वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। इसी तरह से आपको और भी वर्ड्स मेकिंग करनी है, स्पेलिंग्स बनाना है। ओके, तो सभी बच्चे इसको लर्न करेंगे और अच्छे से इसको रीडिंग भी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।